तो आप भी अगर अपने बालों की लंबाई को 2 गुना तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ आज का ये जो वीडियो है एक बार आप एंड तक देख लीजिए। यहाँ मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप जो यहाँ ये अंडा देख रहे हैं ये आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें हम एक से दो चीज़ें मिलाएंगे और आप अगर इसका लगभग हफ्ते में एक बार यूज़ करेंगे तो 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों की जो लंबाई है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। यहाँ अंडे में आप देखेंगे तो आपके बालों के लिए जो ज़रूरी विटामिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो सभी आपको अंडे में मिल जाएंगे, तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का नुस्खा किस प्रकार से हम बनाएंगे और किस प्रकार से आपको इसको अपने बालों में लगाना है वो आप अच्छे से सुन लीजिए और देख लीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये जो है अंडा आपको यहाँ पे ले लेना है और इसका जो हिस्सा है अंदर का वो हम इसमें हम ले लेंगे। तो यहाँ आपने ये जो हिस्सा ले लिया, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बालों में अंडे की स्मेल आए तो ये जो पीला हिस्सा है वो आप बिल्कुल निकाल दीजिए। ये जो पीला हिस्सा है वो किसी काम का नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको नहीं निकालना तो आप ये सही रहने दीजिए। तो हम यहाँ ये जो पीला हिस्सा है वो निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ एग का जो ये व्हाइट हिस्सा होता है इसका ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब इसमें हम मिलाएंगे ऑलिव ऑयल, तो आपको यहाँ ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करना है। ऑलिव ऑयल से आपकी बालों की जो लंबाई है वो इंक्रीज होगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो आप यहाँ लगभग 1 से 1.5 चम्मच जितना है जो ऑलिव ऑयल है वो इसमें ऐड कर दीजिए। बस दोस्तों आपको इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये अंडा और ये जो ऑलिव ऑयल है अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब आपको इसमें यूज़ करना होगा कोकोनट ऑयल। अगर आप चाहे कि कोकोनट की जगह कोई दूसरा ऑयल आप यहाँ यूज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें 1 चम्मच ये जो कोकोनट ऑयल है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो फिर इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब दोस्तों जब आपको लगे कि ये तीनों चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल गई है तब आपको अपने बालों में लगाना है। और लगाने से पहले दोस्तों याद रखिए आपके बाल बिल्कुल ही साफ़ होने चाहिए, यानी कि आपके बालों में जो ऑयल लगा हो उसको रिमूव करके ही इसका आपको यूज़ करना है, तभी इसका इफ़ेक्ट है वो आपके बालों में आएगा। इनसे आपके बाल शाइनी तो होंगे ही, साथ ही साथ 2 गुना तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। अगर बाल आपके झड़ रहे हैं बहुत, बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे केवल 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही। लगाना कैसे है, जब ये अच्छी तरह से घुल मिल जाए तब जब भी आपके पास टाइम है सिर्फ 1 से 2 घंटे ही आपको इसको अपने बालों में लगा के रखना है। तो ज़रा सुन लीजिए, आपको अपने बालों की जड़ और पूरे बाल में अच्छे से इसको लगा देना है। लगा के 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों से बिल्कुल आप मसाज कर लीजिए। उसके बाद जो प्लास्टिक का जो रेप आता है या किसी प्लास्टिक का अगर आपके पास जो थैली वगैरह है तो उनसे आप अपने बालों को इस तरह से ढक लीजिए। ढक के लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा यूं ही रहने देना है और उसके बाद अच्छे से हर्बल शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। जैसे ही आप बाल वॉश करके सुखाएंगे तुरंत ही आपको जो फ़र्क मिलेगा, आपके बालों में एक्स्ट्रा जो शाइन आ जाएंगी आप देखकर चकित रह जाएंगे। तो ये आप हर वीक कीजिए, 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपके जो बाल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आज का हमारा नुस्खा कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे ही नए नुस्खे के साथ। नमस्कार।